This time we are going to involve all those things in this melody phase, and I am 100% sure it will be great success because we have full support of the GDA. We had a discussion about this thing with the chief GDA, and he himself showed a lot of interest in this event, and he told कि हम लोग साथ में करेंगे ये इवेंट एंड इसको बहुत ही ग्रैंड लेवल पे ले जाना हम लोग को जो बाकी जगह पे जो कल्चर जो इवेंट्स होते हैं इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं वी वांट टू मेक इट टू दैट लेवल यू माइट ऑल बी अवेयर अबाउट नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में दैट इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इट वाज आल्सो स्टार्टेड सम 20 इयर्स बैक एंड नाउ सी द स्टेटस व्हाट इट हैज कम टू सो इट हैज इंटरनेशनल फेम एंड हाउ मच ऑफ टूरिज्म हाउ मच ऑफ पोटेंशियल दैट इज जनरेटिंग फॉर दैट स्टेट And Darjeeling being in such a nice place, in such a nice, nicely located position with respect to convenience and basically the movement, the flights, airports, trains, sab kuch yahan paas mein hai. It is very easy for people to come to Darjeeling and enjoy the Darjeeling, what Darjeeling has to offer. But sadly, I do not know, people do not know all these things about Darjeeling. So that is the reason we have decided this year ki हम लोग GDA के साथ मिलकर के और बड़े लेवल पे GDA टूरिज्म से मिलकर और बड़े लेवल पे इसका इवेंट करेंगे हम लोगों ने लास्ट ईयर दार्जिलिंग मेलोडी फेस्ट किया था दिसंबर के महीने में इस बार भी दिसंबर के महीने में ही होगा एंड इस बार वी आर वेरी हैप्पी दैट द GDA टूरिज्म एंड GDA इज वेरी मतलब पार्ट ऑफ द मेलोडी फेस्ट एंड इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ दार्जिलिंग पुलिस एंड द GDA दिस ईयर वी रियली वॉन्ट टू इन्हांस यहाँ पर टूरिज्म ले आना चाहते हैं एंड हमारे लिए क्या होगा कम्युनिटी पुलिसिंग का अच्छा मौका मिल रहा है लोगों से कनेक्ट करने का अच्छा मौका मिल रहा है GDA टूरिज्म को बढ़ावा देने का मौका मिल रहा है तो दोनों का इसमें फ़ायदा हो रहा है सो और इसमें आफ्टर ऑल फ़ायदा मतलब किस सेंस में है कि लोगों का फ़ायदा हो रहा है एंड पीपल विल बी हैप्पी इन दार्जिलिंग एंड वी आर हेयर टू सर्व पीपल ओनली सो सेकेंड वीक में प्लान कर रहे हैं इस पर हम लोग एग्जैक्ट डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है दिसंबर के बट वी आर गोइंग टू हैव अ बिगर इवेंट लाइक वॉट वी हैड द लास्ट ईयर मैं वही बोल रहा हूँ लास्ट ईयर 3 दिन का हुआ था वी आर प्लानिंग टू इन्हांस द डे सो बट स्टिल नॉट डिसाइडेड कि कितना है ऑलमोस्ट 4 to 5 days तो हो गए इस बार लग रहा है पिछले बार जो इवेंट्स हुए थे वो इवेंट्स तो रहेंगे ही रादर उसका स्केल बढ़ जाएगा एंड जैसे बैंड कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें हम आशा कर रहे हैं कि इस बार और भी ज़्यादा बैंड आएँ क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम था लास्ट ईयर एंड इसमें हमने प्राइज मनी भी काफ़ी बढ़ा दिया है इट इज़ समथिंग अराउंड 15 lakhs दिस ईयर हमारा 10 lakhs था प्राइज मनी एंड ऑल ओवर इंडिया इतना प्राइज मनी कोई म्यूजिक कॉम्पिटिशन के लिए मिलता नहीं है सो वी जस्ट वॉन्ट टू अट्रैक्ट टैलेंट्स फ्राम ऑल ओवर इंडिया एंड दार्जिलिंग के लोगों को दार्जिलिंग के बैंड दार्जिलिंग की म्यूजिक कम्युनिटी को ज़्यादा फायदा होगा तो उससे दार्जिलिंग का बढ़ावा होगा लास्ट ईयर भी दार्जिलिंग का ही एक बैंड जीता था म्यूजिक इवेंट आपको सबको पता है वी आर होपफुल दैट फिर से दार्जिलिंग का टैलेंट यहाँ उभर के आए ये हम चाहेंगे वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट वी हैव हम लोग का यहाँ पे बहुत सारा सब कमेटी बना है इस मेलोडी फेस्ट कमेटी में तो सब कमेटी में कॉमन लोग इन्वॉल्व यहाँ के हैं जो डिसीजन सबका हुआ कंसेंसस उस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कौन आ रहा है इस बार मैराथन 20 बार होगा जिस तरह पिछले बार वो उसी तरह होगा रादर इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि पब्लिसिटी अच्छी होगी तो और ज़्यादा लोग आएंगे लास्ट से भी अच्छे लोग आए थे इस बार और ज़्यादा बढ़ेंगे हम आशा कर रहे हैं इस फेस्टिवल में कितना वैरायटीज प्रोग्राम होगा इस फेस्टिवल में हम लोगों ने जैसे अभी मैंने बोला कि हम डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स का प्लान कर रहे हैं हम लोग और GDA मिलकर के दोनों को मिलकर हमारे साथ में नॉर्डन शेरपा जी बैठे हुए हैं GDA टूरिज्म के हैं तो वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड एंड GDA चीफ से कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात भी हुई थी उनको डिस्कस हमने किया था उसमें बहुत सर्किट्स हम लोग बनाने वाले हैं टूरिज्म का और सर्किट्स में आपका एडवेंचर सर्किट्स होगा दार्जिलिंग में जो एक्टिविटीज होती हैं वो उसका पार्ट होगा दार्जिलिंग इसके अलावा कल्चरल एंड ट्राइबल सर्किट्स होगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लोग डिफरेंट डिफरेंट एरिया के में इलाके में अभी जैसे नॉर्डन जी बोल रहे थे मिरिक जैसे फॉर एग्जांपल हुआ यहाँ पे एक स्पेसिफिक कुछ वहाँ का स्पेशलिटी है तो हम उस चीज़ को प्रमोट करेंगे वहाँ पे बेसिकली हम लोग डिसेंट्रलाइज करके डिफरेंट डिफरेंट जगह भेजेंगे लोगों को फिर इसके अलावा हमारे पास आपका टी सर्किट है टी को एंजॉय करने के लिए टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसके अलावा हमारा स्पोर्ट्स सर्किट है उसमें तो हम आ ही रहा हमारा आपका जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है ट्रैकिंग वेकिंग जो होता है वो सब आ रहा है तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे इन्वॉल्व हैं वी विल एंड म्यूजिक का तो है इसमें सब कुछ तो यू विल गेट टू नो ऑल दिस थिंग्स इन रिसेंट टाइम्स टू कम इज द फर्स्ट मीटिंग दैट वी हैड ऑफ मेलोडी कमेटी इसके सब कमेटीज बैठती रहेंगे धीरे धीरे करके एंड वी विल लेट यू नो टाइम टू टाइम अभी हम ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जब तक सब कमेटी ने हमारे फैशन शो लास्ट ईयर हुआ था दैट वाज कल्चरल डिस्प्ले जो था यहाँ के ट्रेडिशन क्लोथ्स का बहुत बढ़िया था सक्सेसफुल था
तो कमेटी जो डिसाइड करेगा एंड वी आर ओपन टू आइडियाज ऑल्सो न्यू आइडियाज सो वी विल होप समथिंग विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स डेट अभी के लिए सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर प्लान कर रहे हैं हम लोग सो वी विल लेट यू नो एग्जैक्ट डेट्स आफ्टर द इंटेंस मीटिंग्स विद द GTA एंड सबका सुविधा के हिसाब से प्लान कर लेंगे सधैँ चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो एउटा क्यालेन्डर इभेन्टको रूपमा चाहिँ हाम्रो विन्टर फेस्टिभल हुने गर्थ्यो होइन त्यो तपाईँहरूलाई थाहै छ विन्टर फेस्टिभल गर्नुको अर्थ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो दार्जिलिङमा मेन्ली सिजन भनेको तपाईँको हाम्रो 6 महिना सिजन हुन्छ होइन र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 12 मास यहाँ सिजन चलिरहोस् है विन्टरको टाइममा पनि टुरिस्टहरूलाई हामीले एट्र्याक्ट गर्न सकौँ किन अन्य जग्गामा तपाईँको यो छुट्टीको समयमा आउने गर्छ सिजनको समयमा आउने गर्छ तर यो मेन्ली अब विन्टरको समयमा चाहिँ टुरिस्टहरू आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कुनै यस्तो एउटा ह्यापनिङ इभेन्टहरू होस् सो द्याट कि हामीले टुरिस्टहरूलाई उनीहरूलाई पनि एट्र्याक्ट गर्न सकोस् अनि यहाँ हाम्रो जति पनि व्यवसाय चाहे चालक दाजुभाइ हो यहाँ होटेलर होमस्टेहरू छ यो उनीहरूले एउटा व्यावसायिक रूपमा पनि अर्थव्यवस्था राम्रो हुन सकोस् भनेर हामीले त्यो प्रकारले गर्दै थियौँ तर योपालि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै इभेन्ट गर्ने भयो यो हामीले विन्टर फेस्टिभल योपालि गर्दैन GTA टुरिज्मले र यही मेलोटी फेस्टलाई नै चाहिँ हाम्रो एउटा क्यालेन्डर इभेन्ट बनाएर र दार्जिलिङ पुलिस अनि GTA टुरिज्मको संयुक्त अभियानमा चाहिँ आयोजनामा चाहिँ यो एउटा मेलोटी फेस्ट फेस्टिभललाई चाहिँ यो हाम्रो विन्टर फेस्टिभलको रूपमा चाहिँ हामी एउटा वृहत रूपमा मनाउने यसपल्ट हामीले जमर्को गरेको छौँ